वही दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम के साथ सिविक सेंटर भिलाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिविक सेंटर के वेंडिंग जोन, जिसे चौपाटी भी कहा जाता है, वहां पर वेज और नॉन वेज दोनों स्टॉल की बारीकी से जांच की। दरअसल धमथा क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग के 8 मरीज मिले थे, जिसके कारण उन्हें डायरिया भी हो गया था। अब जिला प्रशासन पूरे शहर के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और वेंडिंग जोन में दबिश रही है। आज जांच के दौरान फूड और सेफ्टी विभाग ने कई जगह से सैंपल कलेक्ट किए और आगे परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर एसडीएम सहित टीम ने वेंडिंग जोन के कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। वही एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे ने कहा कि अगर सोमवार तक सटीक दस्तावेज और साफ सुथरा स्टॉल नहीं दिखता तो आगे की कार्रवाई तालाबंदी की होगी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह जो खाद्यान्न सामग्री जहां भी निर्माण होता है या बनता है उस जगह पर जांच करने के निर्देश हैं। शासन के भी निर्देश हैं ताकि जो ग्राहक हैं, जो आमजन हैं, उनको जो भी खाने का सामग्री बाहर पर जो भी खा रहे हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हो और सही खाना मिले, उसमें क्वालिटी में गिरावट ना हो। और जाँच कंटिन्यू जारी की जा रही है। जैसे बारिश का समय है, हाइजीन की समस्याएँ रहती है, बहुत सारी बीमारियों का भी समय रहता है। यदि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, खाद्य सामग्रियों के निर्माण में यदि क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बीमार पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है वहाँ भी प्रॉपर जांच की जा रही है। साथ ही फूड लाइसेंस भी सभी वेंडर को लेना अनिवार्य है, उस संबंध में भी जाँच की जा रही है कि विदाउट लाइसेंस कोई वेंडर संचालित तो नहीं कर रहा है। प्रॉपर जांच कंटिन्यू अभी चल रही है। सिर्फ कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस यदि किसी के पास नहीं पाया जा रहा तो उस वेंडर को बंद भी कराया जा रहा है। यदि लाइसेंस नहीं है और मानक के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है तो पर भी विधिवत जो कार्रवाई है फूड डिपार्टमेंट के आधार पर।